what kind of exit poll and whose exit poll we should believe. There are so many exit polls, right? लोकसभा चुनाव की सियासी जंग में जनता ने अपना काम कर दिया है। सातवें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 4 जून के नतीजों का इंतजार शुरू हो गया है। लेकिन 4 जून के नतीजों से पहले सबकी नजर एग्जिट पोल पर टिकी है। वैसे तो एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल उम्मीदवारों की धड़कन जरूर बढ़ा देती है। बहरहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर हर सियासी दल के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन इसे लेकर जब लालू का लाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो सुनिए कैसे तेजस्वी ने दिलचस्प जवाब दिया, वो भी अंग्रेजी में। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan Adhya Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. सुना आपने कैसे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें एग्जिट पोल को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उन्हें इंतजार है तो सिर्फ 4 जून का, जिसे लेकर दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बता दें कि आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली में बैठक है, जहां नतीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है और सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम फेस को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है एग्जिट पोल से लेकर अंतिम नतीजों के आने तक सियासी घमासान कितना दिलचस्प होने वाला है, ये हमें जरूर बताएं। और लोकसभा चुनाव की पल पल अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।